सत्यमेव जयते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज। कब से लागू हो रही है नई शिक्षा नीति? क्या संविदा पद समाप्त होंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है? निदेशक शिक्षक शिक्षा मित्रों के लिए जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। दोस्तों घबराएं नहीं, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे वीवो जियो जिसमें लिखा हुआ है संविदा कर्मी, यानी जो हमारे निदेशक भाई हैं, निदेशक शिक्षक भाई हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको अब किस रूप में देखा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। 1 अप्रैल 2022 से लागू होनी चाहिए नई शिक्षा नीति, ऐतिहासिक व्यवस्था। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र शिक्षक और शिक्षा को एक अहम स्थान दिया गया है और ये अब शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक शुरुआत कही जा सकती है। मैं वो जियो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप खुद स्वयं देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5.5 विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। स्कूल में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। 5.6 स्कूलों / स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे कि पारंपरिक स्थानीय कला, व्यवसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहां स्थानीय विशेषता मौजूद हो में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षण के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये आपने देखा साथियों, यहाँ पर ये निर्धारित हो चुका है कि अब और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। जब व्यवस्था बेहतर होगी तो उसके लिए शिक्षकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, विषय विशेषज्ञों की भी ज़रूरत पड़ेगी और उनको नियुक्त किया जाएगा ताकि सर्वांगीण विकास हो सके बच्चों का। आगे 5.7 अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीकी आधारित व्यापक शिक्षा आवश्यकता आयोजना और भावी आवश्यकताओं के अनुसार का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। भर्ती और पदस्थापन में ऊपर बताई गई सभी नई पहलों को समय के साथ ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों के नीचे वर्णित करियर प्रबंधन और प्रगति के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रोत्साहन सहित भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और ऑफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामंजस्य में होंगे। आगे 5.8 में बताना चाहेंगे सेवा काल के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण। स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और ये सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सके, जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। 5.9 में लिखा है इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटरिंग उपकरण, इंटरनेट,
पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे, ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूल में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। तो साथियों, ये आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो जियो जारी हुआ है उसके पेज नंबर 32 पर देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। मैंने आपको पढ़कर बताया और समझाने की कोशिश की है, हो सकता है आप समझ चुके होंगे। साथियों, अब बात करते हैं प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी और जूनियर तक में कार्य कर रहे शिक्षक जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र पहले से कार्यरत हैं। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे, प्री प्राइमरी में जो शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं हैं, उनको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, ये प्रावधान है और ये हो सकता है। बाकी जो कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्राइमरी की क्लासेस हैं, उसमें जिन शिक्षा मित्रों ने टीटी पास कर लिया है उनको रखा जाएगा समान कार्य समान वेतन के तहत। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 में, यानी जूनियर हाई स्कूल में जो कार्यरत हमारे अनुदेशक शिक्षक हैं, उनको समायोजित किया जा सकता है। तो साथियों, घबराएं नहीं, संविदा जो पद है आपका उसे समायोजन में बदल दिया जाएगा, और जब बदल दिया जाएगा तो स्वतः संविदा समाप्त हो जाएगी, आप लोग समायोजित हो जाएंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपके ही पद पर समायोजित किया जाए और आपको समान कार्य समान वेतन जल्द से जल्द मिले। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने कमेंट ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप किस जनपद से हैं उत्तर प्रदेश के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।